वेलकम फ्रेंड्स, एक बार हम उपस्थित हैं एक नए चेहरे के साथ। आप देख पा रहे होंगे, इनको पहचान रहे हैं ना। ये पहले आपको पढ़ाते थे सर आप साइंस की क्लास, और ये कुछ दिन से लापता हो गए थे। अब फिर से पता में आ गए हैं। आपकी साइंस की क्लास जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी, और सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा साइंस की क्लास। पूरा देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये तो फिलहाल मजाक में बोल रहे थे, और बाकी सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। पहले क्वालिटी कुछ गड़बड़ होती थी, इसलिए इनकी काफ़ी क्लास को जो है हटा दिया गया, क्योंकि उसमें अच्छा नहीं आ रहा था, साफ़ नहीं था, क्लियर नहीं था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, तो लीजिए फिर आगे चलते हैं। वैसे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए सर अपना नाम वगैरह और सब बता देंगे कुछ आपको इंट्रोडक्शन, और बाकी तो सब पुराने ही हैं, तो लीजिए सर। हाय मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त MD सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल PVR स्टडी पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एक साल बाद पुनः आपसे मिल रहे हैं। जो दोस्त मुझे जानते होंगे कृपया कमेंट में एक टाइप करेंगे, जो मुझे नहीं जानते होंगे कमेंट में दो टाइप करेंगे। ठीक, हम अपने स्टडी को आज से कंटिन्यू करेंगे। हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स बहुत अभी अर्ली ही स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे UPSC आ रहा है, और UPSC से CDS NDA और CDS, ठीक है, और UP SSSC की बहुत सारी क्लास हैं, MP PCS है, ठीक है, और सारे स्टेट्स की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, जिसमें SSC CGL आया है अभी। तो साइंस जो है बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सभी एग्जाम में कुछ ना तो कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस में हम जनरली देखते हैं कि हाँ साइंस क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। ठीक है, साइंस को फिर डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है? बायोलॉजी। जो मित्र परेशान होंगे हिंदी के लिए, मैं उन्हें हिंदी में भी लिखाऊंगा, सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा, ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल ही परेशान ना होंगे। देन अगर क्या होती है? केमिस्ट्री। फाइनली हमारा क्या होता है? फिजिक्स। ठीक, तो हम देखते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। हिंदी मीडियम वाले, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान, एंड फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी या भौतिक विज्ञान। ठीक, साइंस मीन्स होता है विज्ञान। तीनों चीज़ों को कोरिलेट करके ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो भी एग्जाम्स हमारे सामने हैं। मीन्स जैसे कि जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, NDA, CDS हुआ, या MP PCS हुआ, या UP PCS हुआ, अदर्स रेलवे हुआ, SSC CGL हुआ, सभी में तो सबसे बड़ा रोल जो इसमें होता है, सबसे बड़ा वो होता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? जीव विज्ञान। तो हम सबसे पहले अपना जो टॉपिक है, अपन पहले सबसे पहले क्या फिनिश करेंगे? बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी मीन्स होता क्या है, पहले चीज़ें ये जान लें। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में होता क्या? बायोलॉजी मीन्स हिंदी में क्या नाम दिया गया इसको? जीव विज्ञान। ठीक, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? ठीक, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसमें दो शब्द इंक्लूड किए गए हैं। ये बायोलॉजी जो है, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटा? ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, बायोलॉजी को सर्वप्रथम किसने नॉमिनेट किया था, कौन इसका नाम दिया था, ये हम बताने वाले हैं। तो एक साइंटिस्ट है लैमार्क, एंड ट्रेवी नेरियस। ठीक, दो लोग थे मुख्य रूप से, दोनों लोगों ने जॉइंटली इसका नाम कैलकुलेट किया था बायोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता था, हु इज द गिवन ऑफ द टर्म ऑफ बायोलॉजी। तो आपके विकल्प में अगर ये ऑप्शन आ जाते हैं, लैमार्क या ट्रेवेनेरियस में से कोई भी आ जाता, तो आप इस पर करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? अब जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम उसके मतलब को जान लें। ठीक है, क्या होता है बायोलॉजी का मतलब? बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? बा
ओश प्लस लोजी, बायोस प्लस लोगास, दो चीज़ों से ये मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगास। बायोस मीन्स क्या होता है? बायोस मीन्स होता है लिविंग, और लोगास मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। मीन्स हमने क्या बताया, बायोस मीन्स क्या होता है? लिविंग, और लोगास मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। ठीक, यानी जिसमें हम लिविंग चीज़ों की स्टडी करते हैं वही क्या होता है? बायोलॉजी। लिविंग मीन्स क्या होता है? लिविंग मीन्स होता है मतलब जो भी जीवित है। लिविंग मीन्स क्या होता है बेटा? जो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ऑल दीज एक्टिविटीज, ठीक है, फाउंड ऑफ द एनी लिविंग थिंग्स, किसी भी लिविंग थिंग्स में ये सारी एक्टिविटीज पाई जाएंगी। रिस्पायरेशन होगा, डाइजेशन होगा, ग्रोथ होगा, एक्सक्रीशन होगा, और रिप्रोडक्शन होगा। जो भी चीज़ें ये करेंगी वो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में किसको रखा जाता है? एनिमल और प्लांट्स को, एनिमल और प्लांट्स को, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक, तो इसमें भी अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ किसी को? कोई दिक्कत? ठीक है भाई, देखो जिसको जो कन्फ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। ओके, ठीक ठीक है, तो फिर चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब बायोलॉजी में कितने ब्रांचेस होती हैं? बायोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में क्या होता है? सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन हो जाए, हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, किसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं? एक सेकंड, अभी मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। इसमें भी दो ब्रांच होती है, क्या क्या होता है भाई? जूलॉजी, पहली होती है जूलॉजी, सेकंड क्या होता है हमारा? बॉटनी। ठीक, बॉटनी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? प्राणी या ह्यूमन, ह्यूमन होता है, या ह्यूमन बीइंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान, प्राण विज्ञान हिंदी में। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? प्राणी विज्ञान। बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में क्या होता है, किसके बारे में स्टडी की जाती है? ठीक है, जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है? टू स्टडी अबाउट एनिमल कॉल्ड द जूलॉजी। इसी तरह बॉटनी में क्या होगा? टू स्टडी अबाउट द प्लांट। ठीक, जिसमें प्लांट के बारे में स्टडी की जाए, प्लांट के बारे में अध्ययन किया जाए वह बॉटनी होता है, जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए वह जूलॉजी होता है। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ों को? कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? नहीं, ओके ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है, हु इज़ द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है भाई? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं भाई? एरिस्टियोल। कौन था वो? एरिस्टियोल, एरिस्टियोल। ठीक, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि प्राण विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक है,
तो इसको आप लोग लिख लेंगे, किसे कहते हैं? एरिस्टियल को. किसे कहते हैं? एरिस्टियल, हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी, तो नोन एज द एरिस्टियल. वेरी गुड. इसी तरह क्यों कहा गया भाई इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा गया? इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका? उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया. इनकी बुक्स का नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया. ठीक. इसी तरह इनके बारे में पूछ लिया जाए, हु इज द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है भैया? थियोफ्रास्टस. क्या नाम उनका? थियोफ्रास्टस. अब हिंदी मीडियम वाले पूछेंगे कि सर ये अरस्तु का जो हिंदी में नाम है उनका नाम क्या था? एरिस्टियल का अरस्तु. ठीक. जनरली अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी. किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी. कौन था भाई? अरस्तु या एरिस्टियल. यहां तक सभी चीजें क्लियर हुई? फादर ऑफ जीव विज्ञान या फादर ऑफ बायोलॉजी. हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी. क्वेश्चन ये पूछ सकता आपसे कि बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं? अरस्तु को. क्यों कहते हैं भाई? इसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था. हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया लिखा था. इसमें सबसे पहले यही इन्होंने ही एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था. ठीक. सबसे पहले तो हम लोग कहाँ आ गए थे? फादर ऑफ बॉटनी. फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई? थियोफ्रास्टस. क्या नाम उनका? थियोफ्रास्टस. इनका भी थियोफ्रास्टस. क्या नाम था इनका? थियोफ्रास्टस. थियोफ्रास्टस को हिंदी में भी यही नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया? हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, थियोफ्रास्टस. ठीक. थियोफ्रास्टस. तो हिंदी में भी इसको नाम यही दिया गया. तो वनस्पति विज्ञान का पिता किसे क्या कहा गया है? थियोफ्रास्टस. मान लो अगर ये क्वेश्चन आ ही जाए आपसे एग्जाम में कि हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी, तो क्या आप बताओगे? थियोफ्रास्टस. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. ठीक. आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो हम आगे जो है वन बाय वन एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चले जाएंगे और जो भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहली बार तो ये जान लीजिए 80% क्वेश्चन जो है, 80% क्वेश्चन जो है हमारे किससे पूछे जाते हैं? बायोलॉजी के किस ब्रांच से? जूलॉजी वाले ब्रांच से. जूलॉजी वाले ब्रांच से 80% क्वेश्चन पुटअप होता है. अगेन बॉटनी से कितने होते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में? बॉटनी से कितने होते हैं? आई थिंक ये 70% था, सॉरी. और यहाँ कितना होता है? 20%. देन एक और ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म जीवों का विज्ञान. माइक्रोबायोलॉजी जिससे मात्र 10% क्वेश्चन. ठीक. तो जूलॉजी के बारे में हमने क्या बताया भाई आप लोगों को? कि हम इसमें एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या प्राणियों के बारे में अध्ययन करेंगे. बॉटनी के बारे में हमने क्या बताया? वनस्पति विज्ञान. और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब माइक्रोब्स. माइक्रोब्स में क्या आते हैं? प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होते हैं. दीज आर कॉल्ड द माइक्रोब्स. इनके बारे में कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? किसे कहते हैं भाई? एंटोनियो ल्यूनहॉक को. ए बी ल्यूनहॉक. ठीक है. क्या कहते हैं भाई? ए बी ल्यूनहॉक. ठीक. ए बी ल्यूनहॉक. ठीक. किसे कहते हैं? ए बी ल्यूनहॉक को. ठीक.
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें क्या पढ़ना होता है? जियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, और बॉटनी में क्या पढ़ना होता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा? मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है कि प्लांट की आकार की, प्लांट की संरचना, प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिजियोलॉजी में क्या होता है? जो हमारे जो सिस्टम होते हैं, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कौन सा ऑर्गन होता है, इस सब के बारे में जो स्टडी होता है वही ह्यूमन फिजियोलॉजी था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा बायोलॉजी का, क्या रहेगा? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सर एसी बढ़ा देंगे थोड़ा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है? वन बाय वन सारे टॉपिक को हम देख लेंगे। सबसे पहला हमारा क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका दूसरे नाम से क्या जानते हैं? रुधिर तंत्र। क्या नाम होता है? रुधिर तंत्र। सेकंड हमारा क्या आता है नंबर दो पे? रिस्पायरेटरी सिस्टम, पायरेटरी सिस्टम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? श्वसन तंत्र। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है? डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या नाम जानते हैं इसको? पाचन तंत्र। ठीक, अगला हमारा क्या आता है भाई? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? उत्सर्जन तंत्र। ठीक, पांचवा हमारा क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्या नाम जानते हैं इसको? अस्थि तंत्र। ठीक, सिक्स नंबर पे हमारा क्या आता है? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसको हम लोग जानते हैं मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र। ठीक, सेवन नंबर पे हमारा क्या आएगा भाई? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या हम देखेंगे भाई? न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं भाई आप लोग ना, तंत्रिका तंत्र। हमारी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं होगी इसके लिए, सॉरी। ठीक, तो बेसिकली हमें यही चीज़ों को पढ़ना है। दो एक और हैं हमारा, जैसे हमारा एक आता है इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है। ये आठवें नंबर पे होगा। ठीक, ये भी हम चला करेंगे। तो हमें सभी चीज़ों को वन बाई वन डिस्कस कर लेना है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, इसको हम देख लें एक बार। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे तीन मेन पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? तीन मेन पार्ट हम इधर लिख दे रहे हैं ऊपर। एक होता हमारा ब्लड, सेकंड होता हमारा हार्ट, और थर्ड होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ओके। तो हमें क्या है, केवल ह्यूमन्स पार्ट पढ़ लेंगे, हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हम ब्लड्स पढ़ लेंगे, ब्लड्स के फीचर पढ़ लेंगे, ब्लड के कंपोनेंट पढ़ लेंगे, ठीक है,
सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। इसके बाद देन हम हाइट पढ़ेंगे, व्हाट इज द हाइट, हाइट कैसे वर्क करता है, हाइट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, हार्ट्स में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, इस तरह हम लोग हार्ट को क्लियर कर देंगे। ब्लड को जो है रुधिर कहते हैं, हार्ट को हम लोग हृदय कहते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में दो पार्ट, दो मेन पार्ट होती है, एक आर्टरीज होती है, एक एक वेन्स होती है। फिर अगेन ये डिवाइड होती हैं छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, छोटी छोटी जिसको कहते हैं आर्टरीज और वेन्स, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, आर्टरीज और वेन्स, ठीक, उसमें उसके सिस्टम को देख लेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका मेन पार्ट है हमारा क्या, लंग्स। लंग्स मीन्स क्या होता है, फेफड़ा, फेफड़ा आप लोग सुने होंगे, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी देखा जाए, फुफ्फस, ठीक, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अबाउट टू स्टडी ऑफ द लंग्स इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होती है, माउथ हमारा होता है, फूड पाइप्स होती है, स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक के बाद हमारा इंटेस्टाइन होता है, और इसी में हम क्या इंक्लूड करेंगे, लीवर। लीवर रहेगा, लीवर जिसको आप लोग क्या कहते हैं, यकृत, हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं ना, लीवर इसी में आ जाएगा, और गाल ब्लैडर जिसको पित्त की थैली के नाम से जाना जाता है। ये सब सारी चीज़ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक। अगला हमारा होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। जब ये चीज़ें हम आपको वन बाई वन शुरू करेंगे तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ों को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। हमारा अगला क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमें जनरली क्या पढ़ना होता है भाई, किडनी, किडनी, ठीक, किडनी के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में, कितने पाई जाती हैं, टू, दो पाई जाती हैं, टू, वन पेयर या दो पाई जाती हैं, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई आप लोग, गुर्दा, गुर्दा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं गुर्दा, ओके। स्केलेटन सिस्टम में हम जनरली क्या देखेंगे भाई, बोन्स, बोन जिसको अस्थि कहते हैं आप लोग ना, बोन्स, कितनी बोन्स होती हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम से, यहाँ मतलब ब्रेन से लेके हमारी जो पैर है, लेग्स हैं, फिंगर्स हैं, वहाँ तक हम सारी बोन्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। मस्कुलर सिस्टम में कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं हमारी बॉडीज़ में, ठीक है, कौन सी मसल्स कहाँ इन्वॉल्व है, कौन से मसल्स कौन से बॉडी ऑर्गन को बना रही है, ये हम देखेंगे। मसल्स इसमें जनरली हमें क्या देखना है, मसल्स, और नर्वस सिस्टम में हमें क्या देखना भाई, हमारा नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन में हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है, ब्रेन में हम सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा आई थिंक, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक को लेके। तो पहला हमारा सिस्टम है आज का क्या है भाई, हमने जिसके बारे में डिस्कस किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से, परिसंचरण तंत्र। क्या नाम है उसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी में, परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं भाई हिंदी में, देख लें अपना हिंदी मीडियम वाले, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, ठीक, परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब क्या होता है, परिसंचरण तंत्र में जो मेन पार्ट होता है, जो मेन ऑर्गन होता है, जो इसमें वर्क करता है, उसको ब्लड कहते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड का मेन वर्क क्या होता है भाई, ब्लड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पूरे बॉडी में क्या होता है, ये मूवमेंट करता है, मतलब मूव करता है, ठीक है, ब्रेन टू द लेग्स तक, ओके, ब्रेन से लेके लेग्स तक। सर पानी मिलेगा एक गिलास, ठीक, ये क्या करता है, मूव करता रहता है। तो परिसंचरण तंत्र में सबसे पहला क्या आता है, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ब्लड, ब्लड, ब्लड जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई, रुधिर, रुधिर, क्या, ठीक है, ब्लड, ब्लड पहला टॉपिक हमारा क्या होता है भाई, ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला परिसंचरण तंत्र जिसको कहते हैं ब्लड, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो अब यहीं तक ही रहेगी आज की, इसका अगला पार्ट टू आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट टू आप लोग जरूर देखेगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और अपने कमेंट से हमें फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आज का लेक्चर, कोई इम्प्रूवमेंट होगा उसके लिए आप सलाह दीजिएगा, सजेशन करिएगा, हम जरूर उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम में लेके ब्लड पार्ट 2। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्लड से।